भाई यार साले ने के अंग्रेजी सिखा रहा है मेरे को। ओके तो इसको तो गाइस मैंने आराम से भर दिया भाई यहाँ से। ओके बॉडी ला फटाफट जल्दी, कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। ऑलराइट गाइस, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हिटमैन 3। तो दोस्तों आज हम लोग खेलने वाले हैं एलूजिव टारगेट मिशन और चलने वाले हैं बैंकॉक, जहां पे हमारा टारगेट मिलने वाला है और वहीं पे जाके भाई साहब बहुत ही ज्यादा साइलेंट तरीके से उसको ठोक डालेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसलिए हम लोग उसको मारने जा रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है जिसने हमको कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, तो उसने बताया हुआ है कि एक सिंगापुर होटल में ये बंदा गया था जो टारगेट है, और वहां पर इसका फ्रेंड फ्रेंड जो था साथी था वो वहां पे काम कर रहा था, तो कुछ ठंडे पानी की बोतल के लिए उसने मांगा उस सेफ से, तो पता नहीं आपस में क्या बहस हुई और इस भाई साहब फूड क्रिटिक ने उसको मार दिया, और भाई साहब वो काफी ज्यादा दुख उसको हो रहा था कि एक छोटी सी बोतल पानी की बोतल के लिए कैसे इसको मार सकता है। काफी ज्यादा खुन्नस में था वो बंदा, और सीधा वो उसने कॉन्टेक्ट किया हमारे हैंडलर डायना को ICA में, और सारी डिटेल इसके बारे में बता दी कि भाई साहब किस तरह से अपना ये रॉब जमाया करता है और बहुत ज्यादा अकड़ में रहता है, किसी को समझता नहीं कि कोई छोटा या बड़ा, कोई मतलब वो नहीं, बहुत ज्यादा घमंड है इसको मतलब अपनी पोजीशन का। तो इसीलिए हम लोगों को ये टारगेट मिल चुका है और हम लोग पहुंच के सीधा इसको ठोकने वाले हैं। और थोड़ा ये भी मैं बता दूं कि डायना ने मुझे बता दिया है कि वहाँ पर सिक्योरिटी इसने और ज़्यादा बढ़ा ली, मतलब होटल में सिक्योरिटी है, भले इसके पास गार्ड हो सकता है कम हो, पर होटल में इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को चौकन्ना कर दिया कि इसको शक कुछ लगा था, इसको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद इसके ऊपर कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, तो इसी वजह से इसने भाई साहब सिक्योरिटी बढ़ा ली। तो सीधा हम लोग पहुंच उस होटल में जहां पर अवार्ड शो चल रहा है ये आया हुआ है, और वहीं पहुंचकर इसको ठोक देते हैं। लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बैंकॉक के उस होटल में जहां पर हमारा टारगेट ठहरा हुआ है, और वहीं पे हम लोग बिल्कुल फ्रंट गेट पर आ चुके हैं, और देख लें अपनी डायना अपने इसके होटल के बारे में और क्या इंटेल देती है और क्या इन्फॉर्मेशन देती है जिससे हमारा मिशन और भी ज्यादा इजी हो जाए। तो जो भी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म हो चुकी है कि वो हमारा टारगेट वहाँ पे पहुंच चुका है, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सबको चौकन्ना कर दिया है, और इस टाइम पे वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है वेट कर रहा है, क्योंकि अवार्ड्स जो है रात को चलने वाला है, तो दिन को कुछ होने वाला नहीं। फिलहाल यहाँ पे आने का भाई साहब नज़ारे का पैसा तो वसूल हो गया भाई साहब, चारों तरफ देख लो ग्रीनरी ग्रीनरी, उधर बिल्डिंग है, और कितना भाई साहब ब्यूटीफुल इंटीरियर लग रहा है होटल का, लगता किसी राजा का महल है हिसाब से। और यहाँ पे देख लो सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा भर भर के, और कितना ज़्यादा होटल का स्टाफ हर वो जगह पर है, नमस्ते मैडम, थैंक यू सो मच, तो थोड़ा मत हम लोग इज्जत दे देते हैं इनको, मतलब लगे हुए कि बंदा फुल यहाँ पे मज़े करने आया हुआ, ना कि किसी का खून वून करने। और ये देख लो हमारा भाई साहब फुल तगड़ी लुक में आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से होटल का रास्ता कहाँ पे, अबे तुम ऑर्डर कर लो कुछ, यहाँ पे खाली बैठे हो, मक्खी मार रहे हो, हटो यहाँ से। चलो मैं इनसे पंगे नहीं लेने वाला, फिलहाल मैं किचन में जा रहा हूँ कि होटल में, यहाँ पे जा, ओके यहाँ रेस्टोरेंट है और ये सामने किचन है, और यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग को उसको फाइंड करना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। ये तो यहाँ पे कहाँ है फिलहाल, यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, अगल बगल यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसे मैं उसको देख के तुरंत पहचान लूंगा, क्योंकि मुझे फोटोज पूरी डिटेल उसकी मिल चुकी है। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो टॉयलेट है। फिलहाल मैं ऊपर चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे, शायद वो वहाँ पे बैठा हो, वो शायद VIP एरिया, VIP लॉन्ज हो, वहाँ पे शायद मस्त कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पैसे वाला आदमी भाई। ओके तो यहाँ पे सिक्योरिटी, ओके मैं समझ गया यहाँ पे सिक्योरिटी है और यही बंदा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि मुझे डाइनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब अजीब टाइप का लग रहा है, और मुझे थोड़ा और ज़्यादा बेस्ट चाहिए, और यहाँ पे मतलब और देयर एंड टेक्सचर्स फ्लेयर द आर्ट सोसाइटी, पता नहीं क्या क्या इसकी बहस कर रहा है। तो मैं कैमरा से इसकी शक्ल दिखाता हूँ आपको, और इसको मारना तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ये देखो गाइस यहाँ पे ये बैठा हुआ, और इसको मारना तो पूरा पूरा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी है और चारों तरफ होटल का स्टाफ है, और यहाँ पे भी सिक्योरिटी भर भर के है, तो यहाँ पे टपकाना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अपने लिए, और ना मैं इसको कहीं बुला के मार सकता हूँ कि इसको डिस्टर्ब करके नीचे बुला लूँ, बट थोड़ा मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि इन सिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा, और फिर सिक्योरिटी के बाद इस बंदे को हटाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, थोड़ा हम लोग नज़ारा देखते हैं अगल से, कहाँ मैं छुप के इसको डिस्टर्ब करके नीचे बुला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ से मैं कहीं फायरिंग नहीं कर सकता या किसी तरह की एक्टिविटी उल्टी सीधी नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे सब गेस्ट बैठे हैं होटल के। ओके यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सामने बंदा है, चलो यहाँ पे गाइस नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं फायरिंग करूँ किसी तरह से और वहाँ पे मारूँ, जिससे वो लोग डिस्टर्ब होकर नीचे आए, थोड़ा मतलब वहाँ पे और ज़्यादा माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे कायदे से मारना है भाई, कोई देख ना ले मुझे, कुछ शूटिंग करते हुए मैं मतलब का मेरा घंचा बन जाएगा, फटाफट गन निकालता हूँ यहाँ पे, और कोई देख तो नहीं रहा है, और ये मैंने यहाँ पे फायरिंग कर दी। अब यहाँ पे मेरे को लगता है वहाँ पे किसी ना किसी को शक गया होगा, चाहे सिक्योरिटी को गया होगा या वहाँ पे जो बॉडी गार्ड है उसको गया होगा। अब उसको फॉलो करते हैं कि वो नीचे यहाँ पे आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, उसको मतलब उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ क्या कह रहा है, कि गोली कहाँ से चली है या यहाँ से डिस्ट्रैक्शन कहाँ से हुआ है। ओके ये जा रहा है गाइस, तो इसको हम लोग कॉपचे में देख के ठोक डालेंगे, समझे।
शट अप भाई साहब, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, किसी का हस्बैंड बनने थोड़ी नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो चलो गाइस, तो ये अब पता नहीं नीचे जा रहा है कि किस साइड जा रहा है, इसको कहाँ से मतलब इसको शक हुआ है कि गोली कहाँ से आ रही पड़ी है, या कोई भी डिस्ट्रक्शन सिस्टम कहाँ से एक्टिव हुआ है या कहाँ से किया गया है। तो ये बंदा जा रहा है, मैं इसको नीचे जाना चाहिए क्योंकि मैं नीचे से मैंने गोली चलाई, ऊपर क्यों जा रहा है। चलो देखते हैं, बहुत बड़े सिक्योरिटी गार्ड है, अभी इनको पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग कुछ ये देखना है इसकी कितनी आसानी से इसको मार सकते हैं। यहाँ पे भी एक होटल स्टाफ है और दो दो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हैं भाई, बहुत आराम से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी, यहाँ पे कौन है बे? ओके, तो यहाँ पे और कोई तो नहीं है, फिलहाल सन्नाटा मेरे को दिख रहा है, बहुत आराम से काम करना पड़ेगा। और ये भी इस ये होटल का बंदा है क्या? शिट यार, मैं इसको यहाँ पे मार नहीं सकता ना, ये देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे भी बंदा एक है, ये आ तो नहीं सकता, ओके ये तो जा रहा है, और दूसरा एक इसके अंदर बंदा है, तो इसको भी संभाल के मारना पड़ेगा। उसकी कोई टेंशन नहीं फिलहाल मुझे, फिर टेंशन जानते क्या है। ओके ये कहाँ जा रहा है, ये बाहर तो नहीं आ रहा है, और उसने बता दिया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, पहले ये बाहर निकले। ओके तो ये भी जा रहा है, ओके 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 ये भी गया। ओके मैं सिक्का थोड़ा निकाल लेता हूँ इसको मारने के लिए, एक मैंने कॉइन तो निकाल लिया है। ओके तुम बेटा पैसा निकालो तक भाई, यहाँ साले ने के अंग्रेजी सिखा रहा है मेरे को। ओके तो इसको तो गाइस मैंने आराम से भर दिया, इसकी गन उठा लेते हैं फटाफट, नहीं तो किसी गन कोई देख लिया तो फिर मेरे लिए पंगा पड़ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये काम मैंने डन कर दिया, उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड को मैंने फटाफट इसको हटा दिया है, और कुछ भी खबर नहीं ना होटल स्टाफ को ना सिक्योरिटी गार्ड को। लेट्स गो, वहीं पर चलते हैं और फिर से फायरिंग करके उसको भी डिस्ट्रेक्ट करके इसी पोजीशन पे लाते हैं, और इसी पोजीशन पे ला के उसको भी मार डालते हैं। भाई साहब क्या अमेजिंग ट्रिक से मैंने इसका काम तमाम कर दिया। फिलहाल गाइस यहाँ पे आ गया, बेटा नमस्ते तो कर लो, अबे नमस्ते कर ले बे, नहीं करेगा भाई साहब, इसको मेरे को लगता है सैलरी नहीं मिलती है। ओके इसी अंदर जा सकता हूँ मैं? हाँ नहीं, मुझे पता था यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वीआईपी सिस्टम तुम लोगों ने बना रखा है, इसीलिए मैं तो जा नहीं सकता यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, तो यहाँ पे फिलहाल ये वेट कर रहा है, फ़ोन से क्या बात कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और ये कहाँ जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। फिलहाल मैं इसे डिस्ट्रक्ट करने वाला हूँ उसी लोकेशन से, और अगर कहीं और जाएगा तो कहीं और का भी देख के पेल डालेंगे इसको फटाफट। ओके अभी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो मैं फटाफट फिर से गन निकालता हूँ भाई साहब, साइलेंसर गन निकालूंगा, ना कि उसी गन निकाल के मैं धड़ाम से दगा दूँ। ओके ओके फिर से इसको बुलाऊंगा। ओके तो किसी को और सक गया मेरे को लगता है, नीचे भी गया ऊपर भी गया है। अबे तुम क्या जाओगे चेक करने, ए पगले, ए पगल, अबे भग भग यहाँ से, बेमतलब का जासूस बन रहा है, चल भग। चलो गाइस, तो वो पता नहीं उसको भी लगा था खट से यहाँ पे कुछ हुआ है, तो वो भी वहाँ पे जा रहा था। अब देखते हैं ये बंदा कहाँ पे जा रहा है, जो हमारा मेन टारगेट यहाँ से तो निकल चुका है, और शायद उसी लोकेशन पे वो भी जाने वाला है उसको चेक करने के लिए, कहाँ से ये खट से आवाज़ आई है कि या किसी किसी चीज़ की हिटिंग की आवाज़ आई है। ऑलराइट गाइस, तो इसका तो काम मैंने खत्म कर दिया समझ लो, एक ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, बट वहाँ पे जो होटल स्टाफ घूम रहा था वो मेरे को ना दिख जाए कहीं, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी समझने में, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बट उसको देख के थोड़ा डिस्ट्रेक्ट कर सकता हूँ मैं कहीं। अबे यार तो मैं उसे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ से इधर से आ रहा है, और फिलहाल बंदा मेरे को लगता है वो दूसरा वाला वहीं पे, तो मैं कॉइन निकाल के रेडी रखता हूँ कि अगर ये भागने की कोशिश करेगा मतलब वापस, तो फिर उसी तरह से मैं इसको डिस्ट्रेक्ट करके गोली मार दूंगा, क्योंकि वहाँ पर वो बंदा क्या है सुसु करके गया हुआ है क्या अंदर, ये जो खड़ा हुआ है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, ये कुछ कर रहा है, एक मिनट, तो मैं सोच रहा हूँ इसको फटाफट गोली निकालता हूँ, ठोक डालता हूँ यहाँ पे भंग यहाँ से। ओके बॉडी ला फटाफट जल्दी, कमान हो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कमान कमान कमान, फास्ट 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 फास्ट। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट चलो गाइस, तो इस बंदा भी यहाँ पे ये हाथ ही धुल रहा था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं इसको इसके बॉडीगार्ड को मारा था ना, तो अभी ये बाहर निकलने वाला था, तो फिलहाल अभी ये चौड़ में अपना हाथ पैर धुल के निकलेगा, और हमारा भी हाथ पैर धुल ही चुका है आराम से, और हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट था कंप्लीट हो चुका है। कितनी साइलेंटली से हमने इसको ठोक डाला यहाँ पे, और यहाँ पे चारों तरफ होटल का भी स्टाफ था और होटल की भी सिक्योरिटी थी, किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाया है। फिलहाल हमारी बोट रेडी है और यहाँ से हम लोग कल्टी हो लेते हैं, कोई भी खाना पीना खाना नहीं है अपने को, क्योंकि पैसे बहुत कम मिलते हैं हम लोग को मिशन के, और फटाफट बाहर निकलता है। क्या भाई चोमू लोग, क्या यहाँ पे मक्खी मारते हो, क्या भाई क्या मक्खी मारते हो क्या, साले पेड़ डालूंगा अभी तेरे को। अरे अरे अबे ये फालतू का ग्लिच हो गया था, मैं फंस गया था अभी यहाँ पे, और ज्यादा मैं इसको इरिटेट करता ना भाई साहब, अभी ये तुरंत गन निकाल के मेरे को ठोकना चालू कर देता। ऑलराइट गाइस, तो पुलिस जस्ट चलेंगे, महाराजा साहब बाहर चलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के गेस्ट हैं ना भाई, और सामने हमारी बोट फुल रेडी है, और हम लोग मैं समझ रहा था कि 400 साल या 200 साल यहाँ पे रुक के जाऊँ, फ्री का होटल मिलेगा, सारा पैसा तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट या जो हमारी हैंडलर डायनाट उठाएगी खर्चा,
बट टेंशन की बात नहीं यार, सब बकवास साइड में रखते हैं और यहाँ से हमारा मिशन कंप्लीट हो गया तो हमारा काम भी खत्म हो गया। अब फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। ओह ओह भाई चंगू मंगू, क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे यहाँ कुत्ते का जाके यहाँ पे बेमतलब का, जब होटल के सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख पाते हो तो क्या कर लोगे चाइट? तो हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो सीक्रेट एजेंट एजेंट 47 है उसने भी काम खत्म कर दिया। लेट्स गो गाइस, अपनी बोट उठा के यहाँ से कल्टी होते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और अमेजिंग गेम प्लेस देखने के लिए। और अभी तो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ पूरी हिटमैन से और हिटमैन 3 की, तो काफी मजा आने वाला। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं और नए तगड़े से गेम प्ले में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।